नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं विकास कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में आए दिन मौत हो रहे हैं, आए दिन सुसाइड हो रहे हैं, बट इसी मौत में एक नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत जी का। अभी तक ये पता नहीं चला है कि उन्होंने सुसाइड किया है या उनका कोई मर्डर हुआ है, पर लोग और फैन और बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटी कह रहे हैं कि नेपोटिज्म से वो बहुत ग्रस्त थे और बहुत उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिससे वो सुसाइड किया है। वहीं पे फैन कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उसको देखते हुए स्टीव हब ने उनके आत्माओं से बात किया। ऐसी एक पैरानॉर्मल हीलर हमारे साथ गणेश दुबे जी हैं जो दिल्ली में मशहूर, का नाम आता है वो, और उनसे हम बात करेंगे क्या आत्माओं से बात होती है। नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो विषय लिया है वो बहुत ही संजीदा विषय है, बहुत जिम्मेदारी का विषय है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम धारी पावका ना चैनम जेदन्ति आपको ना शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था आत्मा मरती है और ना ही उसको जलाया जा सकता है, ना ही उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से छेदा जा सकता है। आत्मा अजर और अमर है। इसी बात को आगे रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये दावा करता है कि उन्होंने सुशांत सिंह की राजपूत की आत्मा से बात की है तो अवश्य पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। हिंदू मेथोडोलॉजी में, वैदिक शास्त्रों में, हमारे यहाँ बहुत दिनों से इस चीज़ को माना जाता है और सदैव माना गया है। हम हर वर्ष पितरों का आह्वान करते हैं, उनके लिए मोक्ष के लिए पितरों का दान करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हमारे यहाँ फॉलो रिचुअल्स होते हैं जो हम करते आए हैं। ऐसे ही अगर किसी ने दावा किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा से बात कर पाता है, अभी ऑथेंसिटी कितनी है, कितनी जिम्मेदारी के साथ वो ये बात कह रहे हैं और कितनी सच्चाई है, कितना सच्चाई नहीं है, ये वो जाने, या उनके प्रिंसिपल, उन्होंने जो मेथोडोलॉजी या जो मेथोडोलॉजी यूज़ की है वो उसके ऊपर बेस करता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में बिल्कुल पॉसिबल है कि हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। शायद इसी को देखते हुए उनके जो फैन हैं उन्होंने स्टीव हब से अनुरोध किया था कि उनकी आत्माओं से बात करें। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगर वो स्टीव हब जी अभी जो बात वो दावा कर रहे हैं तो ये दावा कहाँ तक सही है? देखिए, मुंडे मतर बनना, जितने लोग उतनी बातें कर सकते हैं। बॉलीवुड में क्या अच्छा है क्या बुरा वो लोग जाने, लोग क्या कह रहे हैं वो जाने। नेपोटिज्म या किसी भी शब्दों पे हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतनी सी बात कह सकते हैं कि अगर जो सत्य है वो सत्य सामने आना चाहिए, जो असत्य है वो छुपना चाहिए, और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सत्य निकल कर आएगा, और हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकारें, हमारा मैकेनिज्म इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी इसके सत्य को खोज लेगा। सर, यहीं पे एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा था, उनके नीचे से कैप्शन में लिखा था स्टीव हब के कि स्टीव हब की आप सुशांत जी के बारे में तो बता रहे हैं, कम से कम विकास दुबे जी के भी बारे में बता दीजिए, क्या उनको आप आत्माओं से बात करके बताइए, उनकी जो गाड़ी पलटी गई थी। तो हम इसको क्या माने कि वो फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी वो आत्माओं से जो बातें करते उसको मजाक उड़ा रहे हैं? देखिए, किसी भी साइंस में किसी भी कार्य के लिए दोनों पक्ष के लोग होते हैं, जो एक पक्ष में बोलते हैं और विपक्ष में बोलते हैं। जब पहली बार हवाई जहाज बना तो कुछ लोगों ने बना ये चलेगा नहीं, जब चल गया तो कहते हैं रुकेगा नहीं, जब रुक गया तो कहते हैं ये दोबारा नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन प्लस और माइनस या पक्ष और विपक्ष में बोलने का तर्क और तार्किक बुद्धि सबके पास है और सभी बोलते हैं, सबको अधिकार है। अब चाहे वो सुशांत जी की बात हो या किसी क्रिमिनल के बारे में बात की जा रही हो या किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, उसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है और ना ही हमारी संस्था का कोई लेना देना है उनसे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आत्माएं एग्जिस्ट करती हैं, उनसे बात की जा सकती है और करते आए हैं और करते रहेंगे। अगर हाँ उससे किसी को कोई सहायता मिल सकती है तो वो सहायता हम लोग हमेशा देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है स्टीव हब जी ने जो अभी दावा किया है कि मैंने उनसे बात किया, तो उससे क्या हमारी जो सरकार है, हमारी जो प्रशासन है, शासन है, उनकी हाँ ये बात कर सही है, उस पर CBI की जांच होनी चाहिए या कैसे करें? देखिए, जहाँ तक भी हमारे शासन और प्रशासन की बात हो, किसी के दबाव में आकर, किसी प्रेशर में आकर कार्य नहीं करती। हमारी भारतीय संस्थाएं बहुत सुदृढ़ और दृढ़ हैं, सक्षम है अपने आप में अपनी बात को रखने में और सच को उजागर करने में। इसमें किसी और प्रेशर की, दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन जनता की भावनाओं का भाव हमेशा सम्मान हुआ है, तो जो कार्य करने चाहिए वो जरूर करेंगे, जो नए स्टेप उठाने जरूर उठाए जाएंगे। हमारी सरकारों ने हमेशा जनता के भाव का सम्मान किया है, तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़रूरत है, उनको लगता है कि कोई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सरकार के पास अपना पूरा अधिकार है उस पर निर्णय लेने का। हाँ, लेकिन वो जनता की भावनाओं का हमेशा सम्मान करते हैं। देखिए, अध्यात्म का और सामाजिकता का या संसार, देखिए अध्यात्म बना ही हमारे और आपके लिए है, स्पिरिचुअल लाइफ हमारी और आपके लिए बनी हुई है। उनके परिवार की क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या संवेदनाएं हैं, हम सब उनके साथ हैं, और अगर उनको कोई मैसेज मिल रहा है, उनको कोई बात आ रही है, तो उसका भी सम्मान है पूरा।
लेकिन एक बात को समझिए, आपकी साइंस को साइंस की तरह रहने दीजिए और धारणाओं और विश्वास को धारणाओं और विश्वास को, क्योंकि देखिए फेथ एंड लॉजिक कांट गो टुगेदर। अगर विश्वास है तो अलग चीज़ है, लॉजिक से तो अलग अलग है। तो साइंस को साइंस की तरह लीजिए और विश्वास को विश्वास की तरह लीजिए। लेकिन अगर विश्वास को साइंस की तराजू में तौल कर अगर विश्वास क्रिएट किया जा सकता है तो जरूर करिए। और जहाँ तक सुशांत सिंह की बात या किसी भी व्यक्ति की बात जिसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्माओं से बात करने के लिए हम लोग बहुत सक्षम हैं। हम बात करते हैं, पूर्वजन्म की बातें करते हैं, हम हमारे यहाँ रिबर्थ की बातें की जाती हैं, हमारे पूर्वजन्म की बातें की जाती हैं, हमारे पितरों का दान होता है, हमारे पितरों का संस्कार होता है, हमारे यहाँ नासिक में पिंडदान होता है, गया में पिंडदान होता है, प्रयाग में पिंडदान होता है, बनारस में पिंडदान करते हैं, हम पिंडों का दान करते हैं, उनके मोक्ष और मुक्ति की बात करते हैं। सनातन धर्म बहुत विस्तृत है, विशाल है, जहाँ पर हमेशा हमने सभी प्रकार की योनियों के बारे में बात की, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे प्रेत योनि हो, चाहे भूत प्रेत योनि हो, या देव योनि हो, या गुरु तत्व हो, किसी भी तत्व के बारे में बात की। हमारी संस्कृति बहुत विशाल है और इस विशाल संस्कृति का ध्यान रखते हुए हम सभी पक्षों का ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ हर तरह की व्यवस्थाओं में सभी तरह का पक्षों का ध्यान रखें। इस पर आप जितनी मर्जी चर्चा कर लीजिए लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने स्टीव हॉप का दरवाजा खटखटाया और स्टीव हॉप ने उनकी बातों को सुना भी, क्योंकि ऐसा हमने जहाँ तक सुना है कि स्टीव हॉप जल्दी किसी के बारे में, किसी की आत्माओं के बारे से बात नहीं करते, बट उनको भी ये लगा कि हाँ उस सुशांत सिंह के साथ ऐसा कुछ हुआ है या क्या नहीं हुआ, तो तभी उन्होंने बात किया। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवा जो है वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो साइंस को ज़्यादा बिलीव करते, इस पर बिलीव नहीं करते, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, किसने कहा कि पुनर्जन्म का साइंस नहीं है? पुनर्जन्म इटसेल्फ में एक विज्ञान है, आत्माओं से बात करना एक विज्ञान है, पूर्वजों से बात करना एक विज्ञान है, उनकी मुक्ति के लिए कार्य करना एक विज्ञान है। ये धारणाएं ही विज्ञान का एक हिस्सा है और हमारा सनातन धर्म विज्ञान और ज्ञान दोनों एक साथ लेके चलता है। तो इसलिए ये कहना कि विज्ञान नहीं है या ये कहना कि आज की जनता इस पर विश्वास नहीं करती है, आज की जनरेशन इस पर विश्वास नहीं करती, बिल्कुल विश्वास करती है। अगर विश्वास नहीं करती तो सोशल मीडिया के थ्रू स्टीव हॉप तक ये मैसेज नहीं पहुंचता। और उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, ये उनकी क्षमता और उनके ज्ञान के ऊपर है। नाम बहुत बड़ा है और उनके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी साइंस इस बात से एग्री करती है कि आत्माओं से बात की जा सकती है और हम आत्माओं से बात करते हैं। पूर्व जन्म के जितने भी कार्य होते हैं उनको हम एनालिसिस करके उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं, उनके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का भी हमने इलाज किया है। जो हमारा फाउंडेशन है अग्निग्रह फाउंडेशन, उस पर हमने उससे जुड़े हुए बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों को हमने ठीक किया है जिनका मेडिकल साइंस में इलाज नहीं था, लेकिन पूर्व जन्मों से जानकारी निकाल कर, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से जानकारी निकाल कर, उनकी अब धारणाओं की अवस्थाओं को देखते हुए, पैरानॉर्मल एलियंस को देखते हुए हमने बहुत सारी क्रियाओं को सॉल्व किया हुआ है, बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया हुआ है। तो जैसा आप मेरा हमारे विषय में जानते हैं, मैं डॉक्टर गणेश दुबे, आपने मुझे बताया अग्निग्रह फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे बहुत सारे केसेस को डील करते आए हैं। इंडिया का इकलौता इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पैरानॉर्मल हीलिंग और सात्विक तत्व पढ़ाया जाता है प्रोफेशनली, और हम इसको बहुत चैनल तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं और कई हज़ार स्टूडेंट हमारे बच चुके हैं, कई हज़ार लोगों को हमने इसका फ़ायदा दिया है। अभी हम कई सारे मास्टर कोर्सेज भी कर रहे हैं, जैसे हमारा एक प्रोग्राम अभी हम ऋषिकेश का प्लान कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कोरोना और कोविड में क्या परिस्थिति रहती है, लेकिन हमारे बहुत सारे क्लासेस और कोर्सेज होते रहते हैं। अंत में जाते जाते मैं अपने सभी दर्शकों से कोविड में सरकार द्वारा बनाए हुए मापदंडों का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर गणेश दुबे, आप सबको नमस्कार और शुक्रिया।